मैंने कहा आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इतने दिन मैं कहाँ पे गायब हो गई थी, तो यही है कि जब अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक हूँ। तो शोर बाजे का आ रहा है, आपको पता है कि आज 14 अगस्त का दिन है, तो बच्चे बड़े खुश हैं, बड़े एक्साइटेड हैं और कह रहे हैं कि हम लोग तैयार हो गए हैं, तो आप हमें ना खाना कोई ऐसा खिलाएं कि हमारा दिल खुश हो जाए। तो मैं उनके लिए कुछ स्पेशल बना रही हूँ। मैंने कहा चलें, सामान वगैरह सारा मैंने कट वगैरह करके हर चीज रख ली, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ उनके लिए मैक्रोनी। तो ये बन गई, तकरीबन ये तैयार होने वाली है। तो अब मैंने डालना है, ये पानी भी बॉयल हो गया, मैक्रोनी चल के डालते हैं बाहर वाले चूल्हे पे। यहाँ पे पानी जो है ना बॉयल हो गया, तो इसमें डालनी है मैंने मैक्रोनी। तो ये डालती हूँ आहिस्ता आहिस्ता, पानी बहुत ज्यादा पक रहा है, तो इसी चम्मच से हिलाती हूँ इसको। थोड़ा सा इसमें डालती हूँ ऑयल ताकि ये जुड़ ना जाए। तो अब इसको अच्छी तरह से पका के ना, चले ये हो गया, इससे ये है कि ये जुड़ेगी नहीं। और अब डालनी है इसमें मैंने बंद गोभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, ये हो गई हमारी बंद गोभी, इसमें हिलाते हैं अब चम्मच। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक हूँ। आज बहुत प्यारा मौसम बना हुआ है, सारी रात कल से बारिश हो रही है, सारी रात भी होती रही है, अब सुबह से भी हो रही थी तो अभी रुकी है। तो आज मैंने कहीं जाना, ये सब आपके लिए सरप्राइज ही होगा, आपको वहाँ चल के पता चलेगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। प्यार शहर में हो गई हूँ, बस वेट कर रही हूँ जिसके साथ जाना है वो आगे, तो फिर निकलते हैं और आपके साथ जो है ना फिर सारा शेयर करूँगी। 12 बजे का टाइम है, तो उठ चुकी थी, अब नाश्ता करना था, बैठी हुई, पंखा ही चल रहा है, गर्मी आज बहुत ज़्यादा है। कल तो ऐसे सूरज निकला ही नहीं था, तो आज सूरज जो है ना वो निकला है, बादल वगैरह कोई नहीं है, तो मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो यहाँ पर 2 पंखे चल रहे हैं, वो बंद ही नहीं किया मैंने, तो मैं बैठी हुई हूँ। मैंने कहा चलें अब नाश्ता भी करना है, तो अब रात को मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे, मैंने कहा नया सूट बदलती हूँ इस्त्री करके, तो फिर रूटीन वो आपसे शेयर करेंगे। नाश्ता करना है तो फिर बाद में सूट प्रेस करूँगी, और टाइम जो है वो 11 बज चुके हैं। तो आज वैसे भी संडे का दिन है, छुट्टी है, तो फिर मैं यहाँ गाँव आई हुई थी, मैंने कहा चलें एक दिन जो है ना वो गाँव जा कर गुजार के आती हूँ। तो अब कल चलूँगी वापस अपने घर, तो फिर अपना वही काम स्टार्ट, घर के काम, बाहर जॉब, सारा कुछ वही देखूंगी। तो आज जो है ना रेस्ट भी करूंगी और यहाँ पे इंजॉय भी करूंगी। तो चले अब करते हैं नाश्ता, नाश्ता भी आया नहीं आता, तो फिर करती हूँ बाद में मुँह हाथ वगैरह जो है ना वो धो कर फ्रेश हो, कपड़े वगैरह बदलेंगे, तो फिर छत पर चलते हैं, देखते हैं कि इनका जो सोलर प्लेटें वगैरह पड़ी हुई हैं, वो कह रहे हैं बारिश की वजह से एक खराब हो गई, मैंने कहा चले वो भी जाकर ऊपर दे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? ठीक है, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक हूँ। 14 अगस्त पे थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, वो भी मैंने कहा चले आपके साथ शेयर करेंगे। 14 अगस्त के बाद फिर मैं चले गई अपने गांव, तो वहाँ पे भी मैंने थोड़ी सी जाने से पहले बनाई, उसमें भी सलाम लिया हुआ, तो गाँव गई हुई थी, तो आज ही वापस आई हूँ। तो वहाँ पर मैंने फिर ना वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि उधर ना गाँव वाले घर में ना मिस्त्री लगे हुए थे, मैंने कहा बंदा अच्छा नहीं लगता, उन्होंने कहा बाजी को क्या हो गया, ये वीडियो बनाती फिर रही है। तो आज ही मैं वापस आई हूँ, तो आते ही मैंने देखा मेरा पौधा जो है ना ऐसे हरा भरा कलियों से भरा हुआ है, तो ये शाम को मैं उतार लूंगी, क्योंकि ये मुरझा जानी है और डोडियाँ फिर इतनी ज्यादा बन चुकी हैं, और मुझे इतना ही इनकी खुशबू जो है ना यहाँ तक आ रही है। तो आई थी तो आते ही मैंने रेस्ट किया 2-3 घंटे, क्योंकि गाँव जाए तो फिर वहां पे ना रात को बातें करते रहते हैं, जागते रहते हैं, तो इस वजह से सो नहीं सकी 2 रातें। तो आते ही मैंने 3 घंटे रेस्ट की, सोई, तो फिर मैंने खाना बनाया अंडे और पराठे दोपहर में, और अब मैंने बनानी थी हांडी, तो मैंने कहा चलें साथ वीडियो भी शूट करते हैं और साथ साथ अपना खाना भी बनाते हैं। तो चलते हैं किचन में और जाके बनाती हूँ खाना। प्याज मैंने छील लिए थे पहले ही, तो मैंने कहा इनको बारीक बारीक काट के ना, तो फिर मैंने ये सारे चीजें डाल के मसाला बनाऊंगी, क्योंकि प्याज गल जाते हैं ना मसाले में ऐसे, फिर ना खड़े खड़े रहते हैं तो मजा नहीं आता खाना खाने का। तो इसको मैं अच्छी तरह से पहले गला लेती हूँ प्याजों को, टमाटर, सब्ज मिर्चे और लहसुन अदरक, तो जो है ना वो फिर मैंने कहना खत्म हो गया, तो आप लोगों ने कहना ये तो चीजें बाजी की बड़ी खत्म होती हैं।
तो वो अब कल जाऊंगी इंशाल्लाह सारा सामान लेके आऊंगी। आज तो आई हूँ तो थक चुकी हूँ। गांव में इतने इतने प्यारे अपना व्यू नजर आ रहे थे, बस ये वीडियो मैंने फिर बनाई नहीं। मैंने कहा बस मैं आई हूँ ना तो मैं बस बातें शातें करूँ और रेस्ट करूँ व्लॉगिंग से भी। और छुट्टियां थी दो, आपको पता ही है सैटरडे और संडे की, तो फिर आज मैं सुबह ही फर्स्ट टाइम जो है ना आ गई। तो आगे से इंशाल्लाह जब जाऊंगी ना तो आपके साथ शेयर किया करूंगी, क्योंकि गांव वाला जो चूल्हा है ना उस पर काम करने का अपना ही मजा होता है। तो वो फिर आपको बताया ना कि उनके घर का काम हो रहा था, सारा सेन उखड़ा फुकड़ा था और कोई चीज जो है ना जगह पे नहीं थी। तो मैं तो वैसे सोच के गई थी कि मैं उधर जाके वीडियो वगैरह बनाऊंगी, तो फिर मैंने नहीं बनाई। मैंने कहा नहीं अब जब आऊंगी ना फिर बनाऊंगी। तो यहाँ पे प्याज हमारे कट हो चुके हैं, ये मैं डालती हूँ कुकर में। आते ही किचन वगैरह सेट किया, इतना बिखरा, बच्चियां काम कर रही थी पीछे से, उन्होंने बर्तन शर्तन सारे धोने वाले रखे हुए थे वो साफ किए, किचन में झाड़ू लगाया अभी। तो अब मैं ये मसाला जो है ना, ये लहसुन मैंने पहले ही फ्रीज किया हुआ था इसको, और प्याज को डालती हूँ कुकर के अंदर। मैंने कहा चले आई बच्चों को ना उनकी पसंद का खाना बना के देती हूँ, खुश हो जाएंगे। सब्ज मिर्चें भी इसी में डालती हूँ, प्याज और टमाटर भी। आंखों में इतना पड़ रहा है ना प्याज, ये टमाटर का पहले छिलका उतार देती हूँ ताकि छिलका मुंह में ना आए। ये देखिए इजी उतर जाता है जब फ्रीज किए हो ना टमाटर, तो ये छिलका जो ना ऐसे आसानी से ही उतर जाता है। ये हो गया टमाटर, इसको बारीक बारीक सा काट देती हूँ। आते आते मुझे आलू प्याज का रेड़ा नजर आया, मैंने कहा अच्छा फिर वजन उठा लेना है, मैंने लिया ही नहीं, उठाया ही नहीं वजन। वेट मैंने लगाना है 10 मिनट का। ये मसाले वगैरह सारा कुछ मैंने डाल दिया, मैंने कहा 10 मिनट में ये पानी भी खुश्क हो जाएगा, मसाले जो है ना वो गल जाएंगे, तब तक मैं दूसरा कोई काम देख लेती हूँ। आटा भी गूंदने वाला है, आटा चलो बाजार से आज मंगवाते हैं रोटी साथ। मसाला हमारा हो गया तैयार, मैंने कहा चेक करती हूँ कुकर खोल के। ये देखें ये बिल्कुल अब चमचा हिलाने से ना गल जाना है। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन, मैंने कहा आज चिकन बनाते हैं। ये मैंने चिकन जो है ना 1 किलो लिया था, इसको मैंने पहले ही अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। इसको मैं डाल देती हूँ, ये ऐसा ऐसा से ना मसाला भी जो है ना वो गल हो जाएगा सही, तो ये भी साथ साथ गलता रहेगा। इसको 10-15 मिनट अच्छी तरह से ना भून लेती हूँ। मैंने कहा आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इतने दिन मैं कहाँ पे गायब हो गई थी, तो यही है कि जब बंदा एक दिन व्लॉग बनाने से ना छुट्टी कर ले तो फिर अगले दिन कोई नहीं दिल करता, वो यही दिल करता कि अब रहने ही दो रहने ही दो। तो लेकिन ये तो अब काम जो है ना करना ही है व्लॉगिंग का, तो मैंने कहा आज ना अपना बनाते हैं व्लॉग भी और साथ आपके शेयर करते हैं कि आज बना क्या रही हूँ। इसको मैं अब अच्छी तरह से ये भूनता रहेगा ना, तो फिर बाद में इसका देखते हैं क्या कितना पानी ऐड करना है इसमें, तो फिर लगाऊंगी वेट। सालन हमारा हो गया तैयार, ये बारीक बारीक सी मैंने सब्ज मिर्चें थी मैंने कहा ऊपर डालती हूँ, इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है सालन में। तो ये अच्छी तरह से चिकन हमारा भुन चुका है, देखिए इसकी लुक कितनी प्यारी है। तो यहाँ पे ये मैं सब्ज मिर्चें ऊपर डाल देती हूँ और अब इसको लगा देती हूँ दम। और रोटियां मैंने मंगवानी है बाजार से, क्योंकि अभी आटा आज भूनता ही नहीं है, तो आटा सुबह ही गूंदेंगे, तो अब मंगवाती हूँ रोटियां बाजार से। सालन हमारा रेडी है। तो चले जी यही थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। आप पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट्स करना है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।